हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही क्विक और यूज़फुल रिव्यू। यूज़फुल इसलिए क्योंकि हम सभी को डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिस्पी डोसाज बनाने में डिफ़िकल्टी होती है और सिर्फ इसी रीज़न से उन्हें बाहर खाना पड़ता है। लेकिन अब जैसे लॉकडाउन है या कोविड सिचुएशन है, तो वी शुड अवॉइड ईटिंग आउटसाइड, और घर में कैसे बनाएं तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इससे पहले मैं डाल चुकी हूँ हल्दीराम की भी एक वीडियो, जिसमें मैंने डोसा मिक्स के बारे में बताया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो किट्स मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे शायद हल्दीराम अवेलेबल नहीं होगा, बट किट्स एक बहुत ज़्यादा पुराना ब्रांड है, तो आई एम श्योर कि ये ईजिली मिल जाएगा मार्केट में। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो फॉर दिस। और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो दिस इज़ द पैकेजिंग। द नेट वेट इज़ 200 ग्राम्स एंड इट कैन मेक 8 डोसास। और ये एक इंस्टेंट मिक्स है, तो सिर्फ आपको पानी में मिला के इसका बैटर प्रिपेयर करना पड़ता है और फिर सीधा डोसा बना लीजिए। तो ये टोटली वेजिटेरियन है और कोई प्रिजर्वेटिव और कलर्स इसमें नहीं है, मल्टी लेयर हाइजीन पैक है। तो इस तरीके से ये जो है इसकी पैकेजिंग है। द MRP इज 60 रुपीज़ और वेट हम चेक कर चुके हैं 200 ग्राम्स, तो मुझे ये 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपये में ही मिला है। कोई डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि मैंने ये एक रेगुलर स्टोर से ख़रीदा है। ये इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट है, अगर आप इसमें से कोई चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं या आपको कोई फूड एलर्जी है तो यू कैन चेक एंड इग्नोर इट, आई मीन अवॉइड परचेजिंग दिस। सो ये बहुत ज़्यादा इजी टू मेक है। अब मैं वीडियो डाल देती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा रिजल्ट है इस मिक्स से, उसके बाद करते हैं आगे की बातें। सो गाइज, वीडियो आपने देख ली होगी एंड एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है मेरा डोसा। एंड यू नो, शूट करते हुए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है बनाना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा अच्छा और क्रिस्पी बना है। और जैसा पिक्चर में देख रहे हैं एग्जैक्टली इतना ही थिन और इतना ही क्रिस्पी, सो आई जस्ट लव्ड इट। और मेरे को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है इस ब्रांड से या अपनी इस परचेज से। द ओनली थिंग आई वुड से इज कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है फ्रॉम दैट हल्दीराम डोसा मिक्स आई परचेज्ड, बिकॉज ये है 200 ग्राम 60 रुपीज़ का और वो मुझे मिला था 200 ग्राम 45 रुपीज़ का। ऑल्सो अगर मैं उसकी बड़ी पैकिंग लेती हूँ तो 500 ग्राम्स ही मिल जाता है मुझे 90 रुपीज़ में, तो यानी कि 90 रुपीज़ में मुझे 100 ग्राम्स और ज़्यादा मिल रहा है और फिर भी इससे चीप है। सो सिर्फ अगर प्राइसिंग की बात करूं तो ये हल्का सा कॉस्टली है, बट अगर आपके पास हल्दीराम का ऑप्शन नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन टोटली परचेज इट। आप इसको ट्रस्ट करके परचेज कर सकते हैं, इससे आपके डोसा बिल्कुल क्रिस्पी और थिन बनेंगे। और अगर आपको थोड़े से सॉफ्ट पसंद है तो फिर आप उसको थोड़ा सा अंडर कुक करें, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, अगर हल्का सा कम कुकिंग करेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट रह जाएगा। तो वो आपके अपने हाथ में है, लेकिन डोसा इससे परफेक्ट बनता है। सो यू कैन टोटली ट्राई इट ताकि आप बाहर का अवॉइड कर सकें, या फिर जो अगर आपको मन कर रहा है खाने का और आपको मुश्किल हो रही थी कि हम इसका बैटर कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो दिस इज़ द ईजी सॉल्यूशन। सो आई होप यू लाइक माई रिव्यू। और इसी तरीके के यूजफुल रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप यू नो फॉलोइंग माई चैनल। और अगर कोई आपका क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर कोई सजेशंस हैं या कोई और वीडियो आप किसी प्रोडक्ट की देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो। थैंक यू।